जब भी हम कोई नया लैपटॉप या नया सिस्टम बाय करते हैं और फर्स्ट टाइम उसको ऑन करके देखते हैं, तो हमें डेस्कटॉप पर कहीं भी माई कंप्यूटर या माई पीसी का फोल्डर या जो ऐप होती है वो आपको नहीं दिखती है, जिससे आप अपने सिस्टम को एक्सेस कर पाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको ला सकते हैं जिससे वो आपको डेस्कटॉप पर शो हो। अच्छा, हमको सिखा रहा है। क्योंकि ना तो वो ऐप आपको डेस्कटॉप पर शो होती है और अगर आप विंडोज में जाके उसको सर्च करें तब भी आपको नहीं मिलेगी, और इसके साथ कई और ऑप्शन होते हैं जैसे कंट्रोल पैनल का है या रिसाइकल बिन का है, ये ऐप्स भी आपको देखने को नहीं मिलती हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि कैसे आप इनको सिलेक्ट करके अपने पीसी के होम पेज में या जो हमारा डेस्कटॉप होता है वहां पर ला सकते हैं। वीडियो पर बने रहिए। तू समझा? हां नहीं, तू समझा नहीं। मैं हूं अहमद हुसैन और आप देख रहे हैं टेक हेल्पर हुसैन चैनल। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे का बटन भी जरूर दबाएं, इससे हमारी आने वाली इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए सिंपली आपको अपने डेस्कटॉप पे आ जाना है और यहां आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहां पर्सनलाइज का, सिंपली आप इस पे क्लिक कर दीजिए। यहां से आपका पर्सनलाइज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको ये सारी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ से सिंपली आना है थीम्स में। थीम्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिलेटेड सेटिंग्स में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स का। आप सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको वो सारे ही ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कंप्यूटर का है, रिसाइकल बिन का है, यूजर्स फाइल्स का है, कंट्रोल पैनल है, नेटवर्क है, और ये दिखा भी रहा है कि दिस पीसी आएगा, नेटवर्क, रिसाइकल बिन आएगा, एमपीटी, इस तरह से आएगा। तो अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ से बैक करता हूँ, यहाँ से भी इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि डेस्कटॉप पे आपको कहीं भी नहीं दिख रहा होगा माई पीसी का या माई कंप्यूटर का ऑप्शन। और अगर हम विंडोज पे आके यहाँ विंडोज में भी सर्च करें तो यहाँ पे भी हमें कहीं भी माई पीसी या माई कंप्यूटर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको अब इनेबल करने के लिए वापस से आपको वहीं सेटिंग्स में आना है और यहाँ पे जो ये डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स है इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से अगर मान के चलिए हमको कंप्यूटर का चाहिए तो हम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद जैसे हम ओके करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको मिनिमाइज करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दिस पीसी का जो ऑप्शन है वो हमको दिख रहा है। अब हम इस पर क्लिक करके अपने पूरे पीसी को जो है यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये दिस पीसी का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। ज्यादातर ये तब काम आता है जब आपको यहाँ मैनेज करना होता है या प्रॉपर्टीज वगैरह पे क्लिक करना होता है। इसके अलावा अगर आप और आइकन्स को यहाँ पे ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, मान के चलिए हमको यहाँ कंट्रोल पैनल भी चाहिए और रिसाइकल बिन भी चाहिए, हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पहले अप्लाई करेंगे और उसके बाद यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जैसे ही हम यहाँ से मिनिमाइज करते हैं तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल पैनल भी आ चुका है और यहाँ रिसाइकल बिन भी आ चुका है। आप कभी भी इनको हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे का बटन भी जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।